आज अपन इस वीडियो में कूलॉम्स इनवर्स स्केल लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था आपने, ठीक है, उसी तरह से ये है। लेकिन कूलॉम ने दिया ये चार्ज के लिए, आवेश के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, हिंदी में दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण या प्रति आकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन मतलब आकर्षण बल और आपका प्रति आकर्षण बल की बात हो रही है। यदि आपने दो आवेश लिए हैं Q1 और Q2, ठीक है, दो आवेश आपने कौन से ले लिए, Q1 और Q2, ठीक, Q1 और Q2 आपने दो आवेश लिए हैं। यदि आपका Q1 पॉजिटिव और Q2 आपका क्या है नेगेटिव, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। यदि दोनों एक जैसे हैं आपके पास आवेश, Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला है कि जो फोर्स है आपका वो किसके प्रोपोर्शनल होगा या किसके समानुपाती होगा, Q1 जो आपका चार्ज है या Q1 जो आवेश है और Q2 जो चार्ज है, Q2 जो आवेश है उसके परिमाण मैग्नीट्यूड के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा और उसका जो बीच का डिस्टेंस है उसके क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसके आगे देखिएगा, लेट टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि दो आपके पास आवेश हैं, दो आपके पास चार्ज हैं Q1 और Q2, जो एक दूसरे से किस डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, कि एक एक Q1 यहाँ पर है तो r डिस्टेंस पर Q2 यहाँ पर है। ठीक है, तो आपके पास F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, क्योंकि आपका स्टेटमेंट क्या है कि जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि Q1 आपका 2 माइक्रोकूलम है और Q2 आपके पास 3 माइक्रोकूलम है, तो उसके चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, जो चार्ज का गिवन मैग्नीट्यूड रहेगा, उसके क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। दोनों को यदि आप करते हैं, दोनों इक्वेशंस को आप यूज कर रहे हैं, तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब F समान अनुपाती है किसके, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन आप रिमूव कर रहे हैं, एक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर K को क्या बोला गया है, देखिएगा, K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम इन विच टू चार्जेस। मतलब यहाँ पर एक के को स्थिर वैद्युतांक बोला गया है कि आपका के आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये दो चार्ज किस माध्यम पे रखे गए हैं, किस मीडियम पे रखे गए हैं, उसको उस पर वो डिपेंड करेगा। इन एसआई सिस्टम, ठीक है, एसआई सिस्टम में आपका K की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, इफ द मीडियम इन विच चार्जेस आर लोकेटेड इन एयर और वैक्यूम देन इन एसआई सिस्टम, यदि आपका चार्ज कायम में रखे गए एयर में हो या फिर वैक्यूम में हो तो एसआई सिस्टम, आपने दो सिस्टम 11 में भी पढ़े हैं, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, यहाँ पे ε0 इज परमेबिलिटी, ठीक है, परमिटिविटी बोला जाता है ε0 को, ठीक। तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन CGS सिस्टम द चार्ज आई प्लेस इन एयर और वैक्यूम देन CGS सिस्टम K इक्वल्स टू 1, यदि चार्ज आपका कायम रखा है वैक्यूम और एयर में है तो K की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका 4πε0 नहीं आएगा, F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका यूनिट आप कायम में देंगे, F का वैल्यू यूनिट आप देंगे डायन में, और यहाँ पर F का आप यूनिट देंगे न्यूटन, क्योंकि SI सिस्टम में क्या होता है, न्यूटन होता है, और CGS सिस्टम में क्या होता है आपका, डायन होता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस वीडियो में आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब है, यदि आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है, तो उसके आसपास का जो भी सराउंडिंग एरिया है वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि आप उसके अंदर कोई भी टेस्टिंग चार्ज लेकर आते हैं जिस पर आपको टेस्ट करना है, टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, तो वो चारों तरफ से किसी ना किसी फोर्स का क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, उसको फील करेगा, उसका अनुभव करेगा, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो या फिर रिपल्शन फोर्स हो, ठीक है। तो उसको क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब एफ अपॉन जो आपका टेस्टिंग चार्ज है उसका रेशियो, ठीक है। तो इंटेंसिटी को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स और टेस्टिंग चार्ज है आपका, जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, उसका दोनों का जो रेशियो है उसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। देखिएगा डेफिनेशन देख लें आप, व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट्स एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिफरेंट एंड डायरेक्शन आर आल्सो डिफरेंट, ठीक है। मतलब उसकी डायरेक्शंस भी जो होगी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। या फिर अदर वर्ड्स में आप क्या बोल सकते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट देन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। मतलब फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। टेस्ट चार्ज को आप कैसे शो करते हैं, क्यू नॉट से, ठीक है। अब देखिएगा, लेट अ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज मतलब जिस पे आपको क्या करना है, परीक्षण करना है कि इस पे इंटेंसिटी क्या होगी, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। तो लेट अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी, ठीक। यहाँ पर क्या दे रहे हैं कि टेस्ट चार्ज आपका क्या है, क्यू नॉट है, और वो जितने फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या है, एफ है। मतलब जितने फोर्स को वो अनुभव कर रहा है वो आपका क्या है, एफ है, ठीक। अब आपको क्या मालूम है डेफिनेशन से कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेशियो ऑफ फोर्स और आपका टेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है, फोर्स मतलब बल, और जो आपका परीक्षण आवेश है, ठीक है, उसके परिमाण का जो रेशियो है उसके इक्वल है, ठीक है। तो E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब F की वैल्यू क्या थी, कूलॉम्स लॉ से 1/4πε0 Q1
क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर। लेकिन यहाँ पर फोर्स क्या है, वो सॉरी चार्ज क्या है, एक चार्ज तो आपके पास क्या है क्यू, एक चार्ज तो आपके पास क्या है क्यू, और एक टेस्ट चार्ज आपके पास क्या है क्यू नॉट। ठीक, तो दो चार्ज आप क्या शो कर रहे हैं क्यू, और क्या है आपके पास एक चार्ज क्या है क्यू नॉट, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है आपके पास, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है आपके पास आर। तो आपके पास क्या हो जाएगा एफ इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू आपने पुट किया है, एफ की वैल्यू आप इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट कर दें। ई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एफ की वैल्यू आपने पुट किया है रखा उसमें क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू नॉट आपका क्या था पहले से ही था यहाँ पर, क्यू नॉट से क्या हो गया क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की ऐसा ही यूनिट क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब देखिए एफ क्या है आपका फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज क्यू उसका होता है कूलम। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। डायमेंशनल फार्मूला, तीव्रता का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी क्या होगा। अब एफ है आपके पास, एफ का क्या होता है एम एल टी माइनस टू। ठीक, अब क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के अपन ने पहले भी डायमेंशनल फार्मूला निकाला था फर्स्ट में, तो आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा ए टी। ठीक, तो अब एम एज इट इज, एल एज इट इज, टी की पावर वन है ऊपर गया तो क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस थ्री, ए ऊपर गया तो ए की पावर क्या हो जाएगी माइनस वन। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला क्या लिख सकते हैं एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल से क्या मीनिंग है, डाय मतलब क्या दो। ठीक है, डाय मतलब क्या है दो, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या है कि दो चार्ज कॉम्बिनेशन, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपने क्या किए हैं दो चार्ज का यूज़ किया है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या है सेम है लेकिन उसका नेचर क्या है अपोजिट है। ठीक, और उसको किस पे रख दिया गया है, एक शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा गया है, उस सिस्टम को यहाँ पर क्या बोला गया है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो आ सिस्टम ऑफ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर विच आर प्लेस टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, मतलब दो चार्जेस हैं आपके पास माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दोनों ही क्यू क्यू आप ले रहे हैं। ठीक है, मतलब यदि एक टू कूलम का है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए टू कूलम का, लेकिन एक पॉजिटिव है तो एक क्या होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ पर अपन क्या सपोज कर रहे हैं टू एल, अपन ने कैसे शो किया है टू एल से, किसी बुक में टू ए से भी नोटेशंस दिया जा सकता है या टू आर से भी आप नोटेशंस दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पर अपन कर रहे हैं टू एल से। ठीक, मतलब आपके पास क्या है दो चार्जेस हैं। ठीक है, दो चार्जेस आपने यूज़ किया है, एक आपने क्या लिया है प्लस क्यू एक माइनस क्यू। ठीक, और दोनों का डिस्टेंस क्या है टू एल, यदि सेंटर ओ होगा तो ओ से प्लस क्यू का डिस्टेंस आप कैसे शो कर रहे हैं एल से, और माइनस ओ से माइनस क्यू का डिस्टेंस आप क्या शो कर रहे हैं एल से। ठीक है, क्योंकि आपका डेफिनेशन क्या बोलता है अ सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड तो क्या हुआ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड तो क्या हुआ इक्वल है लेकिन नेचर जो है वो क्या है अपोजिट है, मतलब यदि एक टू कूलम का है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए टू का होना चाहिए, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब अल्प दूरी पर स्थित दो समान तथा विजातीय आवेश, समान स्थित दो समान मतलब क्या हो कि दोनों का परिमाण क्या हो बराबर हो लेकिन उसका जो नेचर है विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विजातीय आवेश मतलब क्या हुआ कि एक प्लस तो दूसरा क्या होना चाहिए माइनस,
उस निकाय को क्या बोला गया है, वैद्युत द्विध्रुव। अब द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल लेंथ, मतलब दो चार्जेस का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला गया है, डायपोल लेंथ। ठीक है, जिसको क्या बोला जाएगा, अपन ने कैसे शो किया गया है, 2L से, मतलब दोनों आवेशों की जो दूरी है उसको क्या, वो कैसे शो कर रहे हैं आप, 2L से, जिसको क्या बोला गया है, द्विध्रुव लंबाई। द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस ऑफ डायपोल इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ डायपोल, और इन दोनों को मिलाने वाला जो एक्सेस है या जो लाइन है उसको क्या बोला गया है, डायपोल एक्सेस। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल लेंथ, मतलब दो चार्जेस का जो भी बीच का जो भी डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, डायपोल लेंथ। एंड द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, मिलाने वाली लाइन है, उसको क्या बोला गया है, डायपोल एक्सेस, एक्सेस ऑफ डायपोल। ठीक है, दोनों आवेशों की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई, मतलब दो आवेश हैं आपके पास प्लस क्यू और माइनस क्यू, उसके बीच की जो लंबाई है, उसके बीच की जो दूरी है उसको क्या बोला गया है, द्विध्रुव लंबाई। दादा दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा को द्विध्रुव अक्ष, और इन दोनों को जो ज्वाइन कर रही है, मिला रही है, उसको क्या बोला गया है, द्विध्रुव अक्ष। डायपोल के आपके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, H2O, HCl, NH3, ये सब आपके क्या है, डायपोल के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि आइदर वन चार्ज, आप दोनों में से कोई भी एक चार्ज यूज कर लें, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू में एक चार्ज उसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है, दोनों में से एक चार्ज आप यूज कर लें, उसके मैग्नीट्यूड आप यूज कर लें। ठीक है, जैसे एक यदि 2 कूलाम है और दूसरा -2 कूलाम है, तो सिर्फ अपने को क्या यूज करना है, एक का मैग्नीट्यूड यूज करना है। ठीक है, तो मैं एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का जो डिस्टेंस है, बीच के डिस्टेंस को आपने कैसे शो किया है, 2L से, कैसे शो किया है, 2L से, उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है आपका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, देखिएगा उसका पहले डेफिनेशन देख लें आप, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस ऑफ डायपोल एंड लेंथ ऑफ डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोला गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, मतलब एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का डिस्टेंस, आप क्या लिख रहे हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको आप कैसे शो करते हैं, पी से कैसे दर्शाते हैं, पी से, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑफ द डायपोल इज 2L, मतलब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या है आपके पास, 2L है। मतलब इसको आप सबसे पहले तो कैसे डिनोट कर रहे हैं, P से, कैसे दर्शा रहे हैं, P से। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू 2L, क्योंकि डेफिनेशन आपका क्या बोलती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का डिस्टेंस, दोनों के चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है आपके पास, 2L, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2L। अब ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, जिसको आप क्या बोलते हैं, सदिश, और सदिश किसको बोलते हैं, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो यहाँ पर चार्ज की तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसको वेक्टर में नहीं लिया गया है, लेकिन लेंथ आपका जो डिस्टेंस है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, माइनस टू प्लस, तो यहाँ पर इसको काय में लिया, यूज किया गया है, वेक्टर में। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है बेटा मेरे, है इसमें DIPOLEMOMENT, ठीक है, डायपोल मोमेंट, MOMENT,
क्वांटिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपका जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो भी क्या शो हो रही है, वेक्टर। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ डायपोल। उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, मतलब माइनस से ऋणात्मक आवेश से कहाँ जाती है, धनात्मक आवेश की तरफ, ठीक है, उसकी डायरेक्शन शो होती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या हो जाएगी एसआई सिस्टम में, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, कूलाम मीटर। क्या हो जाती है, कूलाम मीटर। कूलाम मीटर क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि आप क्या दे रहे हैं, आपका जो पी इक्वल्स टू, ठीक है, पी इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं, चार्ज क्यू, क्यू का यूनिट क्या है कूलाम, और लेंथ इंटू टू एल लिखते हैं, लेंथ का क्या है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। डायमेंशनल फार्मूला क्या है इसका, डायमेंशनल फार्मूला आपने कैसे निकालेंगे, चार्ज क्यू का आपको आप निकाल चुके हैं एटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा एल, तो आप क्या लिख रहे हैं कंप्लीट उसको, एम की पावर जीरो, एल की पावर वन, टी की पावर वन और ए की पावर वन। यदि आप वन वन लिखें या फिर ना भी देंगे तो चलेगा, वो उसी को बताता है, यदि आपने कोई पावर नहीं लिखी है मतलब कि उसकी पावर क्या है वन, तो एम जीरो एल टी ए।